तो आप जो है उसमें जो आपका पहला फोर्टी मिनट्स होना चाहिए वो प्रीवियस रिवीजन पे होना चाहिए मैं एनएलपी ट्रेनर हूं इसलिए मैं तुम्हें और भी इसके बारे में अच्छा बता सकता हूं मान लीजिए यू मिनट्स सो फोर्टी मिनट्स इज एलोकेटेड फाइव बट फाइड बारिवियसो हमें मन नहीं लगता है क्योंकि हमारे टारगेट्स होते हैं। यार, बीस पे जाके पढ़ लेना है ये किताब फलाना किताब जो है वो मुझे एक हफ्ते में फेंक देनी खत्म करके तो खत्म करने के चक्कर में हम बहुत कुछ खत्म कर लेते हैं फर्स्ट जो फो मिनट्स होने चाहिए वो रिवीजन में जाने चाहिए यहीं पर अनुशासन की आवश्यकता पड़ेगी निर्णय लेने की क्षमता की आवश्यकता पड़ेगी डिसीजन मेकिंग क्या होता है ज्यादातर तो लोग सोते नहीं यार पहले आज आगे का पढ़ लेते हैं बाद में आएंगे पूरा रिवाइज करेंगे सबसे गलत मैथड पीछे मेरे पास मेमोरी के सारे लॉजिक अवेलेबल है जो मैं आपको बता सकता हूं कि ऐसा करना क्यों आवश्यक होता है और बच्चे जो है जितना मैं जहां तक जानता हूं जितने स्टूडेंट से मिला हूं ज्यादातर बच्चों का सिलेक्शन इसलिए प्री में नहीं होता क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग ज्यादा कर जाते हैं कभी भी देखना कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो पैसठ सत्तर के नीचे करके आए वो साठ पैंसठ पे सिलेक्शन हो जाता है लेकिन जब दो दिन बाद जब उनके आंसर शीश आनी शुरू होती हैं तो पता चला तीस गलत हैं चालीस गलत हैं पैंतीस गलत हैं पच्चीस गलत है और निगेटिव मार्किंग उनको खा जाती है निगेटिव मार्किंग क्यों होती है क्योंकि उस टॉपिक पे आपकी पकड़ अच्छी नहीं, नहीं है इसके बाद जो अगला सिक्सटी मिनट्स होगी वो आपकी फर्दर स्टडी होनी चाहिए आगे की इसी में 90 परसेंट स्टूडेंट फेल हो जाते हैं 90 परसेंट फेल होते हैं ठीक है ठीके? क्योंकि इसमें टेम्पटेशन जुड़ा होता है टारगेट जोड़ो तो अरे यार किसी भी तरह मुझे इसको खत्म करना है नियम होना चाहिए सिंपल सा नियम है जो भी आप कह रहे हैं जो रिवीजन के लिए स्टडी करेंगे अगर इस हिसाब से मैं तो सब्जेक्ट कवर नहीं कर सकते कर ही नहीं सकते ठीक है तो पर डे आपके कम से कम दो सब्जेक्ट चाहिए और दो सब्जेक्ट इसलिए कह रहा हूं कि दोनों सब्जेक्ट का चरित्र अलग होना चाहिए कैरेक्टर अलग होना चाहिए ठीक है मतलब अगर आप आप एक एक सब्जेक्ट सब्जेक्ट बेस ले रहे हो, हिस्ट्री जा रहे हो हो सपोज दैट हिस्ट्री जा तो मे बी उसके साथ एक साइंटिफिक एक 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 अटैच कर दो इसमें क्या होता है हमारे दिमाग में कुछ पैटर्न्स होते हैं ठीक है जैसे आप एक मान लो बहुत लगातार लिटरेचर पढ़ रहे हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ते चले जा रहे हो कुछ रोज मोनोटोनस हो जाता है और जैसे मोनोटोनस होता है आपको एक जो है वो एक ब्रेन में एक सिग्नल जाता है कि थोड़ा सा बोरियत हो रही है और जैसे बोरियत होती है आपको क्या हो जाता है नींद आनी शुरू हो जाती है और आपकी सब्जेक्ट के साथ अरुचि हो जाती है ठीक है तो पहला आप जो है सब्जेक्ट दो अलग अलग हिस्सों में लीजिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसके साथ कोशिश करिए इकोनॉमिक्स को इनपुट दें पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो उसके साथ कोशिश करिए ज्योग्राफी या साइंस को हम इनपुट देना शुरू करें तो दो अलग अलग जब नेचर के सब्जेक्ट होते हैं तो दिमाग लगातार क्या होता है चैलेंज होता रहता है और उस कंडीशन में जो मोनोटोनस सिग्नल है वो तुम्हारे दिमाग में स्पार्क नहीं करता और लंबे समय तक आप अपना कॉन्सेंट्रेशन बनाकर रख सकते हो तो कोशिश करो कि एक दिन में जो है वो दो सब्जेक्ट्स कवर करो इन सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है इस मेथड में कवर करना है इट टेक्स टाइम इट टेक्स टाइम ठीक है तो ये क्या होता है ये अच्छा खासा समय लेता है और ये समय हमें जो है ज्यादातर मैंने देखा है इस वाले को सबसे पहले बच्चे स्किप करना पसंद करते हैं और यही उनका सबसे बड़ा डिजास्टर होता है एग्जाम में वो बैठते हैं बोले यार ये पढ़ा था ये ये पेपर में ऊपर लिखा था ऊपर लिखा था कुछ कुछ आ रहा है कुछ कुछ आ रहा है, है वहां कुछ कुछ होता है नहीं काम करता है वहां राहुल मर जाता है ठीक है कुछ 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 नहीं होता वहां पे वहां पे तो या तो आता है या नहीं आता है तो दिक्कत वहां पर ये हो जाती क्लियर है तो जो स्टूडेंट वाकई में इसको पढ़ना चाहते हैं दिस इज द गोल्डन रूल फॉर यूपीएससी सिक्सटी फोर्टीज ठीक है UPSC, तो आप सिक्सटी फोर्टी के रेशियो में पढ़ना शुरू कर दीजिए चालीस मिनट आपका रिविजन होना चाहिए जैसे जैसे पीछे से लिंकअप करते जाएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे आपकी स्पीड क्या हो जाएगी बढ़ती चली जाएगी एक्चुअली में होता है क्या शुरुआत करना किसी भी चीज की बहुत कठिन होता है बहुत कठिन काम होता है ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है बहुत पावर होती है तुम ज्यादा नहीं करो एक ट्रेन खड़ी हो उसके सामने एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा डाल दो ट्रेन नहीं चल सकती है ये वही ट्रेन है अगर किसी स्पीड से जाए और किसी दीवार से टकरा जाए तो ईट छोड़िए उसका तो तार तार हो जाएगा ठीक है कोई भी अगर पेड़ भी है तो उसको क्या हो जाएगा उड़ा जाएगा लेकिन जब शुरुआत करना होता है तो इसी ट्रेन के आगे तुम एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा रख दो ये ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकती रीजन क्या है किसी भी चीज की शुरुआत करना सबसे कठिन काम होता है तो ये क्या होगा एक नई आदत की शुरुआत करनी है आपको रेजिस्टेंस होगा अरे यार क्या ये सब बवाल चल रहा है ठीक है तो वीर क्या कुछ दिन बाद क्या होगा अपने वापस ट्रैक पर आ जाओगे पीछे इधर से पढ़ते जाओगे और पीछे से उधर क्या होगा भूगोल गायब इतिहास गायब क्लियर है चलिए अब हम बात करते हैं शुरुआत कैसे करें तो मैं इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूं न्यूज पेपर पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है भी न्यूज पेपर वही नहीं पढ़ पाता या जनरली दो तीन घंटा लगा देता जिसको एक्चुअली में यूपीएससी का ओरिएंटेशन ही नहीं पता है जब भी आप कभी भी यूपीएससी की शुरुआत करें तो सबसे पहले आपके पास एक मैप होना चाहिए जिसको हम लोग गाइडिंग मैप बोलते हैं वो है प्रीवियस ईयर पेपर प्रीवियस ईयर पेपर पिछले साल के पेपर प्री के और मेंस के सॉल्व नहीं करने के लिए कह रहा हूं सॉल्व नहीं करने के लिए कह रहा हूं आपको इनको पढ़ना आना चाहिए और इसको जितनी बार पढ़ सको उतना अच्छा है हुकिंग होनी चाहिए जब आप कोई प्रश्न पढ़ते हो जैसे अभी आपने देखा परसों न्यूज पेपर में खबर आई थी कि भारत सरकार ने जो है उसके प्रयासों की वजह से टैक्स टू जीडीपी रेशियो काफी बढ़ गया है अब यह खबर थी ठीक है और उसमें आंकड़े दिए हुए थे कि कितना प्रत्यक्ष कर का जो है वो आ, इस बार आया इतने हजार करोड़ रुपए आए अब ये खबर हो सकती है आप लोगों ने हो सकता है किसी ने अपडेट किया किसी ने दिमाग से निकाल दिया हो लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर आपने पढ़ा होगा और दो का प्री का पेपर आपने अगर याद होगा तो उसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर किसी भी राष्ट्र का टैक्स टू जीडीपी रेशियो बिगड़ता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं दो ऑप्शन दिए हुए थे और उनको फिर सेट करने के लिए पूछा था तो अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा है तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक हो जाएगा यार इस तरह के पॉइंट यूपीएससी में पूछे जाते हैं राइट right? अब तो सबसे पहले जो तो आपकी जो पकड़ होनी चाहिए वो प्रीवियस ईयर पेपर पे होनी चाहिए अब बार बार उसको पढ़िए आप उसके सॉल्यूशंस लगा सकते नहीं लगा सकते मैटर इसको हम लोग बोलते हैं हुकिंग करना ठीक है एनएलपी में इसको हम लोग बोलते हैं हुकिंग करना जैसे ही वो आपके सामने आएगा आप क्या करोगे उसको पकड़ लोगे अगर आपको याद होगा अभी जैसे किसानों की आय को दुगना करने के लिए लगातार आया और अभी आपने देखा कि कृषि मंत्री का बयान आया हुआ है ठीक है अब आप इसमें देखोगे उन्होंने बताया कि सरकार ने काफी काम किया है प्रधानमंत्री फसल सिंचाई योजना पर जो है मृदा सुरक्षा पे और जो है वो फसल बीमा पर काम किया है फसल बीमा के ऊपर एक खबर इसलिए भी आ रही है क्योंकि फसल बीमा को यूनिवर्सलाइज करने की कोशिश की जा रही है जहां पर जो है मिनिमम जो है प्रीमियम पर जो है यूनिवर्सल प्रीमियम पे सबको जो है वो क्या दिया जाएगा फसल बीमा दी जाएगी सिर्फ ज्यादा नहीं तीन साल पहले का आई प्री का पेपर अगर आप पलटोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन उसमें यह नहीं पूछा गया था कि फसल बीमा योजना क्या है उसमें पूछा गया था उसमें दो ऑप्शन दिए थे कि इसमें सभी फसलों के लिए एक समान दर निर्धारित है इसमें रबी और खरीफ के लिए पृथक कर जो है वो दर निर्धारित है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू दोनों में से कौन सा सत्य है तो आपको क्या करना पड़ेगा उसमें से सही ऑप्शन निकालना पड़ेगा अगर आप इन प्रश्नों से वाकिफ हैं तो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं तो आपको सबसे पहला अगर शुरुआत करनी है तो प्रीवियस ईयर पेपर पे आपकी कमांड होनी चाहिए